कल की शाम बिल्कुल फीकी गई बाकी मियाँ, न तो ड्रामा अच्छा था, न सीन सिनेरी और ना ही काम करने वाले। तो चलो दिलावर मियाँ, आज तुम्हें आगा जान की हवेली लिए चलते हैं, अमा बड़ा जोर। हाँ, सारंगी तबले की संगत में नृत्य भाव के साथ समझा समझा कर अगर कोई गजल गाए तो कुछ अपने पल्ले पड़े। अमा तो फिर चलो भाई, गौर बाई की बनारस से आई है, ईमान से बहुत उम्दा गाती है। सिर्फ गाने वाली हो तो चलने को तैयार हूँ, ऐसे वैसी जगह तो दूर से सलाम। हम ऐसे नहीं कि इज्जत बिगाड़ कर तमाश भी नहीं करते फिरे। अजी गौहर बाई भी इज्जतदार गायिका है, गाने के साथ एक आध थोड़ा नाच लेती हैं बस। आपको गाना पसंद आए तो जो जी चाहे इनाम दे दीजिए, वहां पर दुकानदारी जैसी कोई बात नहीं। बस यूं समझिए जैसे ड्रामा थिएटर देखने चले गए, वैसे गौहर बाई के यहाँ चले गए। ठीक है, चलो जल्दी से बाजी खत्म कर ले। चलो चश्मे बद्दूर इंसाफ तेरा देखा ऐसा फिर मैं खाना, इंसाफ तेरा देखा ऐसा फिर मैं खाना, हम बैठे रहे प्यासे हल्का किया, हल्का किया पैमाना, हल्का किया पैमाना, हम बैठे रहे प्यासे हल्का किया पैमाना।
जैसी शायरी वैसी अदाई, ये किसकी गजल थी गौहर जान? अजी शायर ने अपना पेशा भी बता दिया और नाम भी, है काम मेरा जलना और नाम है परवाना। परवाने को वो कौन है जो मानता नहीं, पर शमा किस तरफ है कोई जानता नहीं। मैं तो आपके बहुत करीब हूँ, पर आप ही को एहसास न हो परवाना साहिब, तो शमा क्या करे? एहसास के लिए थोड़ी दूरी की जरूरत। जिंदगी में पहली मर्तबा तो एक शायराना बात की, वो भी मेरा दिल दुखाने के लिए। मैं दूर हुई जाती। बस जल गई शमा। अरे मैं उल्टी शेरवानी पहन कर जाऊंगा मुशायरे में। क्या हरज है, शायरों की दीवानगी तो मशहूर है, कम अज कम इस तरह लोगों की नजर तो पड़ेगी आप पर, वरना। वरना क्या? मेरा मतलब है आगा जान की हवेली का मुशायरा है जनाब, वहाँ बहुत बड़े बड़े शायर आएंगे। तो मुझे तुम छोटा शायर समझती हो। मैं आपको क्या समझती हूँ ये मेरा खुदा जानता है। मुशायरे में लोग आपको कैसा शायर समझे ये खुदा जाने। मुशायरे में तो आज मैं वो समा बांधूंगा, ऐसी नज़्म सुनाऊंगा कि लोग फड़क उठे, दिल में दर्द होने लगे। देखिए कहीं लोगों के सर में न होने लगे दर्द। अल्लाह छोड़िए, नहीं बुलाती हूँ खाला जान को। अब हुआ सर में दर्द? छोड़िए, ही क्या बचपना है, गर्दन मरोड़ दी। याद है ऐसी शरारत पर बचपन में कितना पीड़ा था मैंने तुम्हें? याद है, और ये भी याद है कि जब तक मैं बोली नहीं थी खाना नहीं खाया था आपने। अरे जाओ, तुम्हारे लिए खाना कौन छोड़ता, मैंने हुदूद के साथ बाहर खा लिया था। हाँ अल्लाह, मैं न जाने क्यों हमेशा से जल्दी बेवकूफ बन जाती हूँ। हुदूद में आ गए छोटे सरकार। अच्छा, जल्दी से टोपी दे दो, बहुत देर हो गई। और देखो आज बड़े मार्केट का मुशायरा है, दुआ करना कहीं लुटिया न डूब जाए। आप घबराते क्यों हैं, लुटिया नहीं डूबेगी। तुम्हें यकीन है? खाली और हल्की लुटिया कभी नहीं टूटती। ओहो, फिर शरारत? देखिए बुआ, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह खुश रखे। हाँ बुआ, खुदावंद करीम इन लोगों को हमेशा सलामत रखे। अब्बा अम्मा के इंतकाल के बाद अगर खाला जान ने मेरे सर पे हाथ न रखा होता तो मुझ गरीब को ये खुशी कहाँ नसीब होती। ऐ तुम कोई गैर हो बिटिया, खून एक हड्डी एक, अमीरी गरीबी तो उसकी देन है। फिर भी बुआ, इस तरह दूसरों की मुसीबत कौन अपने गले डालता है। तुम तो ये रोने धोने की बातें तब छोड़ोगी जब तुम और छोटे सरकार शादी के बंधन में जकड़ दिए जाओगे। मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ वो दिन जल्दी आए। मियाँ ये तो डबल प्रोग्राम का मौका है, मुशायरे का मुशायरा और बारात की बारात, वो भी तो आ रही है। कौन? सकीना? वो मेरे कलाम की बड़ी आशिक है बेचारे पर। चलो चलो। आदाब सर। आदाब सर। आगा जान की हवेली जा रहे हो? जी हाँ बजन। चलिए ना, आप भी तशरीफ बेच रही नवाब साहब, आज जरा मेरे भी तेवर देख लीजिए। आपकी जूतियों की तुफैल से वो गजल हुई है कि सबके चिराग गुल कर दूंगा। नहीं हुदूद मियां, आप चिराग गुल करने बतूले में और मैं अंधेरे का आदि नहीं। तो फिर आप यहीं तशरीफ रखिए, मैं लगे हाथ यहीं पढ़े देता हूँ। चलो भी, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है। अब्बा जान इजाजत दीजिए। जाओ बेटे, खुदा कामयाब करे। ए बीच हम्मो, आप खुदा के लिए निकल भी चुके, हमारे जाने से पहले कहीं मुशायरा शुरू ना हो जाए। ऐसा क्या हुआ रोशन बीबी, घबराती क्यों है? परवाना साहब बड़े शायर हैं, उनकी बारी आखिर में आएगी। अरे बीच हम्मो, देर हो गई तो चिलमन के करीब बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ रोशन बीबी, मैं भी मुशायरों में शेर सुनने नहीं शायरों को देखने जाती हूँ। मैं भी का क्या मतलब? यही कि दूर से बड़ा शायर भी छोटा लगता है। अच्छा अच्छा, चलो चलिए। रोशन आरा जी। अम्मी जा रही हो बेटी तो मेरी तरफ से भी न्यास चढ़ा देना। न्यास? न्यास कैसी अम्मी, मैं तो मुशायरे में जा रही हूँ। क्यों रे झूठी, तू तो कह रही थी रोशन बीबी दरगाह जा रही है। मुझसे गलती हो गई बेगम साहिबा, मैं तो समझती थी कि दरगाह में और मुशायरे में कोई फर्क नहीं, वहाँ कवाली होती है तो लोग वाह-वाह करते हैं और यहाँ शायर अपना कलाम सुनाते हैं तो लोगों को हाल आता है। हाल हाल
तुझे क्या हो गया? ऐ परवरदिगार, रब्बुल इज्जत, उनकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, परवाना साहिब के सर पर इज्जत और शोहरत का ताज रखकर मुझे सुरखुरु कर दे। आमीन। अर्ज किया है हुजूर। इरशाद। क्या आए तुम जो आए घड़ी दो घड़ी के बाद? क्या आए तुम जो आए घड़ी दो घड़ी के बाद? और सीने में होगी सांस अड़ी दो घड़ी के बाद। गर दम के दम वो हमसे मुलायम हुए तो क्या? क्या मुलायम मिश्रा है। शुक्रिया शुक्रिया। कई आदि गर दम के दम वो हमसे मुलायम हुए तो क्या? कह बैठेंगे फिर एक घड़ी दो। कल हमने उससे तरके मुलाकात की तो क्या? कल हमने उससे तरके मुलाकात की तो क्या? आगे पढ़िए। फिर उस बगैर कल न पढ़ी दो घड़ी के बाद। मियां वाह, अच्छी चीज लिखवा के लाए हो। अर्ज किया है परवाना गिर्द शमा के शब दो घड़ी रहा। फिर देखी उसकी खाक पड़ी दो घड़ी के बाद। गो दो घड़ी तक उसने ना देखा इधर तो क्या? कोई बात नहीं, शायरों के साथ ऐसा अक्सर होता है। आगे पढ़िए। वह आखिर हम ही से आंख लड़ी दो घड़ी के बाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब आपके सामने नहीं नहीं, मैं एक बात कहता हूँ। शेर अर्ज है, बेकार किया करते हो तकरार वगैरह। आज करता हूँ, बेकार किया करते हो तकरार वगैरह, और मैं दो चार घड़ी आओ करें प्यार। चिलमन के इधर आशिके नाशाद खड़े हैं। चिलमन के इधर आशिक नाशाद पड़े हैं। यहाँ पड़े नहीं है, पांच हाथ के खड़े हैं। हाँ साहब, चिलमन के इधर आशिक नाशाद खड़े हैं, और मियाँ चिलमन के उधर बैठ बैठे हैं। तो निगाहों से ना देखो। देखिए शिकायत है। अर्ज करता हूँ कि छुप छुप के मुझे मस्त निगाहों से ना देखो, और मियाँ कर देंगी मुझे भी ये गुनहगार वगैरह। वरना मैं भी जनाबे चिलगोजा की तरह बैठा जाता। क्या कर रहे हो? कमाल कर रहे हो। महफिल का रंग जमाओ। मख्तार है, हम कूचे दिलदार में सर फोड़ के मर गए। जरा तेवर देखिए। बड़ा नेक प्यार। अर्ज करता हूँ, हम कूचे दिलदार में सर फोड़ के मर जाए, और मिल जाए जो हुद हुद कोई दीवार। तुम दिल का भरोसा तो नहीं है, सच कहते हो तुम दिल का भरोसा तो नहीं है। महफिल में मचल जाए अब ऐसा तो नहीं है। सच कहते हो तुम का भरोसा तो नहीं है। क्यों हटती नहीं पर्दे से बेताब निगाहें? क्यों हटती नहीं पर्दे से बेताब निगाहें?
पर्दे के उधर मेरी तमन्ना तो नहीं है, पर्दे के उधर मेरी तमन्ना तो नहीं है, सब हुस्न के कायल है मगर मेरी तरह से, सब हुस्न के कायल है मगर मेरी तरह से, बेदेखे किसी ने तुम्हें चाहा तो नहीं, देखे किसी ने तुम्हें चाहा तो नहीं है, क्यों झुकने लगी आंखें छलकने लगे सागर, क्यों झुकने लगी आंखें छलकने लगे सागर, मैं खाने के बाहर कोई प्यासा तो नहीं है, मैं खाने के बाहर कोई प्यासा तो नहीं है, आ जाओ के हम अपना जहां आप बसा ले, आ जाओ के हम अपना जहां आप बसा ले, दुनिया ये किसी काम की दुनिया तो नहीं है, दुनिया ये किसी काम की दुनिया तो नहीं है, फरमान लगे देख के वो दिल का तड़पना, फरमान लगे देख के वो दिल का तड़पना, है दर्द मगर इतना ज्यादा तो नहीं है, है दर्द मगर इतना ज्यादा तो नहीं है, परवाना गजल आज तेरी कर गई जादू, परवाना गजल आज तेरी कर गई जादू, ये फैज़ उसी मस्त नजर का तो नहीं है, ये फैज़ उसी मस्त नजर का तो नहीं है, सच कहते हो तुम दिल का भरोसा तो नहीं है, महफिल में मचल जाए अब ऐसा तो नहीं है, सच कहते हो तुम दिल का भरोसा तो नहीं है। अब आया यकीन कि हम कितने बड़े शहर हैं? इन्हें भी तो देखो, बिल्कुल दुल्हन मालूम होती हो, हार फूल तो हर मुशायरे में मिले, लेकिन आज मजा आ गया, एक एक शेर पर आगा जान की हवेली वाह वाह के शोर से गूंज उठी, आवाज यहां तक आ रही थी, मजाक नहीं शमा, ये मुशायरा हमेशा याद रहेगा, ये मेरी दुआओं का असर है जो आपका नाम इतना रोशन है, जाहिर है परवाने का नाम शमा ही रोशन करती है, कहना चाहते थे हाँ तो फिर चुप क्यों,
बस इतना आजमाना था कि तुम सुनने पे मायल हो। लबों तक शर्म से आती नहीं है दास्तां में। बस अब आराम कीजिए, रात ढलने को है। रात ढलने को, लेकिन बात अभी अधूरी है। अगर मैं ये कहूं कि आज यह खूबसूरत हाथ ने मेरे दिल का दामन पकड़ लिया और छुड़ाने की कोशिश भी नहीं हुई मुझसे, तो इसे तुम क्या कहोगे? सादगी। और अगर मैं ये कहूं कि उस हाथ पे मैंने अपना सब कुछ लुटा लिया, तब क्या कहोगे तुम? सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, वो सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। पहल के दर्द की लज्जत न पूछिए, पहले पहल के दर्द की लज्जत न पूछिए, लज्जत न पूछिए। उठे जो दिल में हूक तो मैं मुस्कुरा दिया, उठे जो दिल में हूक तो मैं मुस्कुरा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। कौन सोचता है कि सजदा कबूल हो, सजदा कबूल हो, ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया, ये कौन देखता है कहाँ सर झुका दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। आंचल की ओट हो के ना हो अब नसीब में, आंचल की ओट हो के ना हो अब नसीब में, अब नसीब में। मैंने चराग आज हवा में जला दिया, मैंने चराग आज हवा में जला दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। वो सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, वो सादगी कहें इसे दीवानगी कहें, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया, उनका बड़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया।
जाए जिसके हाथ में किस्मत बदल जाए, मुसाफिर राह क्या मंजिल से भी आगे निकल जाए। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, लेटे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। बीचम्मू, कम से कम मिर्जा गालिब के शेरों की इसलाह ना किया करो। उन्होंने लेटे रहे नहीं, बैठे रहे कहा है। रोशन बीबी, बैठ के याद करने में वो बात कहाँ, आप अपने ही आप को देख लीजिए। किस मजे से लेटी परवाना साहब के ख्वाब देख रही थी। खुदा ना करे कि मैं किसी के ख्वाब देखूं, किसी के लिए अपनी नींदें खराब करूं। मुझे उनकी शायरी पसंद है। ख्वाब आप तुम देखो। पर मैं कैसे देखूं ख्वाब, अभी अभी तो आंख लगी थी कि दिलावर मियाँ ने आके जगा दिया कुंडी खटखटा के। भाईजान अगर बेवक्त लौटते हैं तो इसकी शिकायत अम्मी जान से करो, मेरे पास क्यों आ गई रोनी सूरत लेकर। जी मैं तो जरा ये किताब लेने आई थी। क्यों, वो शेर दिलावर मियाँ से परवा कर जरा सुन लेती। बीचम्मो जी, खुदा के लिए भाईजान से उस शेर का जिक्र भी ना करना। क्यों, चिढ़ाते चिढ़ाते जान निकाल लेंगे मेरी। आज ना सही, एक ना एक दिन तो सभी से कहना पड़ेगा, तभी तो शहनाइयां बजेंगी। बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। दिन चढ़ाया बिटिया। तस्लीम हुआ जीती रहो, खुश रहो। इतनी देर तक पहली दफा सोते देखा है तुम्हें, इतनी मीठी नींद पहले कभी नहीं आई थी। इन्हें रहने दीजिए, यही तो मेरी जिंदगी में बहार लाए। अल्लाह मुबारक करे तुम्हारे सहरे के फूल दिखाए। मैं भी तो सुनू क्या बात है। इन्हीं से पूछ लीजिए, फूलों की बात समझने के तुम्हारे दिन है बिटिया, मुझे तो तुम ही बता दो। छोटी सरकार कुछ तो बोले। बहुत कुछ बोला, मैंने उनके दिल की धड़कनें सुनी, आंखों में अरमानों की चमक देख ली। उन्होंने उन्होंने मोहब्बत भरे गीतों की माला डाल दी मेरे गले में। तेरी शान के सदके मौला, कब से इंतजार था इस दिन का। मैंने तो छुप छुप के मन्नतें मांगी हैं आपके लिए। ये नई बात कैसी हुआ, आप मुझे आप कह रही हैं। अल्लाह रखे, अब आप इस घर की बहू होने वाली हैं। अपनी मालकन को आप ना कहो तो क्या कहो, कैसी बातें करती हैं। आप तो मेरी माँ हैं। दिलावर बेटा, घर की इज्जत का तुम ही ख्याल करोगे तो और कौन करेगा। वालिद साहब के जमाने में जो बिजनेस था, मेरी मेहनत के बदौलत अब वो दुगने से भी ज्यादा हमी जाता, और क्या करूं। घर की इज्जत से मेरा मतलब रोशन आ रहा था बेटा, उसके लिए किसी अच्छे घर भर की फिक्र करो। जवान बहन घर में बैठी हो तो भाइयों की नींद हराम हो जाती है। तो मुझे रातों को चैन कहां मिल जाए। इसी फिक्र में पलंग पर करवटें बदलने के बजाय मैं बाहर घूमने टहलने चले जाता हूं। आप शायद समझती हो कि मैं आवारा गर्दी करता हूं। भाईजान, कल रात आप बड़ी देर से आए, कहां थे। आगा जान की हवेली में। क्या आलिशान मुशारा था। अरे रोशन भी तो वहीं थी। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा इसे। आप मुझे कैसे देख लेते, मर्दों और औरतों के दरमियान चिलमन जो पड़ी थी। चिलमन ना भी होती तो भी मैं सर झुकाए बैठा रहता, आजकल के शोधों की तरह मुझे ताक झांक की आदत नहीं। अच्छा भाईजान, भला आपको किसका कलाम ज्यादा पसंद आया। मुझे, मैं तो मुशारा शुरू होने से पहले ही उठाया था। जिस मजलिस में लड़कियां वगैरह शामिल हो मुझे शर्म आती वहाँ बैठते हुए। ए रोशन, तू जरा हट जा यहाँ से, मैं जरूरी बात कर रही थी तेरे भाई से। मुझसे चोरी, ऐसी क्या बात है अम्मी। तुम्हारे सुनने की नहीं। तुम जाओ यहाँ से। इस तरह रोब से कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो सुनो बैठ के, तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। हटाइए भाईजान। आपको कचहरी अदालत से फुर्सती नहीं, परवेज मियाँ के बारे में किससे बात करूं। मैं तो खुद फिक्रमंद हूँ बेगम, शमा और परवाने का बोझ सर से उतर जाए तो हम लोग खुशी खुशी हट कर चले। आमीन सुम्मा आमीन। तो कर क्यों नहीं देते दोनों की शादी। बस तारीख मुकर्रर करना बाकी। अच्छा, मुझे खबर भी नहीं, कहाँ कर रहे हैं बेटे की शादी। मेरा इंतखाब मामूली नहीं होता है बेगम, अपने को ही देख लो। हटिए भी,
पोपले मुंगे चोचले अच्छे नहीं लगते। मैं पूछ रही थी परवेज मियाँ के लिए कौन सी लड़की पसंद की है आपने? मुझे कोई लड़की ढूंढना है, लड़की भी घर की, लिखी पढ़ी, खूबसूरत। उसका नाम क्यों नहीं लेते? कहीं मखमल में टाट का पैवन न लगा दीजिएगा। नहीं जीनत बेगम, मैं मखमल में मखमली का पैवन लगाऊंगा। नवाब बद्दुद्दीन का लड़का और नवाब लियाकत अली की लड़की। हाय हाय, ये प्यालियां किसने तोड़ डाली? अजीब अल्लाह, आप तो हाय हाय इस तरह से कर रही हैं कि जैसे प्यालियां नहीं किसी का दिल टूट गया। दिल ही टूट गया है नवाब साहब। दिल? किसका दिल? शमा बिटिया। शमा? उन्हें प्यालियां बहुत पसंद थी। ओ, मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या ना करूं, प्यार हो जाए तो इकरार करूं या ना करूं, प्यार हो जाए तो इकरार करूं या ना करूं, मेरे महबूब तुझे प्यार करूं या ना करूं। से तुम उसे ढूंढ सकते हो। हमारे अंदर यार तुम्हारी अकल तो घात खाने चली गई है। भाई मेरे, आजकल की लड़कियों के असली दिल नहीं होता है, समझे? न जाने क्या क्या खुद यूं ही बना लेती हैं। तुम तो दीवाने हो। हो सकता है। हथेले पर कोई दिल नहीं बनाता। बहुत अच्छे भाई मेरे, तुम ऐसा करो थाने चले जाओ। क्यों मियाँ, थाने क्यों चला जाऊँ? मियाँ इसलिए कि वहाँ बहुत से चोर उचक्कों के हाथ की फोटो होती है, मुमकिन है। छोड़ो,
जब से वो हाथ देखा है हर वक्त उसी की तस्वीर बसी रहती है आंखों। अम्मा बरखुरदार, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसका हाथ खूबसूरत हो उसकी शक्ल भी खूबसूरत होनी चाहिए। मियां ये भी तो हो सकता है कि शक्ल पे कतई झाड़ू फिरी हो। नामुमकिन। खुशबू का हल्का सा झोंका फूल का पता बताता है, रोशनी के मध्यम से लौ चिराग की निशानदेही करती है, तो हाथ की दिलकशी से चेहरे की दिलकशी का अंदाजा क्यों नहीं लगाया जा सकता? मियां तुम सचमुच शायर हो, समझे? मजनू ने लैला के साथ मदरसे में बरसों झक मारी, हजरत महिवाल ने सोने के सैकड़ों भड़े खरीद डाले, अमा औरों की छोड़ो, मैं सकीना की शेरों जलेबियां खा गया, तब कहीं जाकर जायका मालूम हुआ इश्क का। और एक आप है, तोले भर का हाथ देखा, आठ डेढ़ मन की लाश ढेर। मशवरे हो रहे हैं है, आपस में भेजते हैं मुझे बनारस में, किसको कल बैठ के करोगे प्यार, किसकी लोगे बलाए तुम हर बार, कल गले से किसे लगाओगे, किसको यूं गोद में बिठाओगे। क्या पढ़ रही अम्मी? हाय हाय, मैंने कहा औरतों की तालीम पर एक नज्म है, वही गुनगुना रही थी आहिस्ता से, झाड़ू फिरे। लेकिन अम्मी ये जबान तो मसनवी जहर इश्क की मालूम होती है। आए तौबा तौबा, तूने ये जहर इश्क का नाम कहाँ से सुना है? शरीफ बहू बेटियां ऐसी किताब को हाथ नहीं लगाती है, समझे? क्या हुआ सकीना है? कुछ नहीं अम्मी, बंदर है ऊपर। बंदर? झाड़ू फिरे कमेटी वालों पर, कहते थे मुहे बंदर पकड़ेंगे। आ भाई कोई वोट लेने, अरे जल्दी जा, जाके देख बंदर कपड़े ना ले जाए कोई। छत पे एक दुपट्टा डाला था सूखने के लिए, ले आओ। ओए होए मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी जा नहीं तो दुपट्टा ले जाएगा वो। गई ओए होए बेईमान, इतना बारीक बारीक छापते हैं कि पढ़ो तो दीदे ही फूट जाए। झाड़ू फिरे, अब कल पढ़ूंगी। अल्लाह, वक्त कैसे आ गए मालूम नहीं, अम्मी घर में है। मैंने सोचा कि बियापा को एक दिन सास तो बनाने ही, फिर आखिर साथ में चले से क्या फायदा। तो ये तेवर है आज, तो फिर चलिए जरा अपनी होने वाली सास से सलाम कराई ले लीजिए। इंशाल्लाह। लेकिन एक बात तो बताओ, मुशायरे में लड़कियों को किसका कलाम ज्यादा पसंद आया? मेरे अलावा सभी परवाना पर लट्टू थी। बड़ी बदजोक लड़कियाँ हैं। लेकिन मुझे तो सिर्फ आपकी गजल पसंद आई। बिल्ला इतने दर्द भरे शेर ना कहा कि दुश्मनों को तपेदिक हो जाए। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम उस लड़की को जानती हो क्या नाम जिसकी हथेली पे यहाँ तिल? बाहर में जाए लड़की और उसका तिल, कितने बुरे हैं आप। क्या मुशायरों में आप लड़कियों के तिल देखने जाते हैं? अजी सुनो तो। आ सकीना, अरे वो बंदर भागा के नहीं, या मैं आऊं बेलन लेके झाड़ू फिरे के लिए। तुझे किस तरह से पाऊं, बड़ी दूर है किनारा, मेरी जिंदगी है आंसू, तेरी जिंदगी सितारा। तुमने भी शायरी शुरू कर दी बिटिया? मैं क्या शायरी करूंगी बुआ, घुटी हुई फरियादों ने इजहार का एक रास्ता ढूंढ लिया है। तुमने मुझे माँ कहा है बिटिया, कहो तो बेगम साहबा से बात करूं। नहीं बुआ, आपको मेरे सर की कसम, बड़े घर में गरीब को आराम मिल सकता है, इज्जत नहीं। आपने मखमल मटाट का पेमेंट देखा है कभी? तो क्या जिंदगी भर यूं जलती सुलगती रहोगी? शमा का और काम ही क्या है। पुलिया वाले ओघड़ बाबा के पाँव पकड़ लिए और रोरो से कहा, और रोरो के कहा कि बाबा मेरे दोस्त की जिंदगी खतरे में है, उसे बचा लो और मेरी दोस्त की इज्जत रख लो। फिर क्या हुआ? उन्हें मेरी हालत पे तरस आ गया और उन्होंने मुझे
ओ, उन्होंने मुझे ये सुरमे की शीशी दी। सुरमा? हाँ, ये कोई मामूली सुरमा नहीं है, इसमें 11 नाखूनों के शेर हैं? नहीं, मेरा मतलब है 11 शेरों के नाखून, 21 सांपों के फन और 71 बिच्छुओं के डंक मिले हुए हैं। और इसको अमावस की काली रात में काला कंबल ओढ़ के काले पत्थर के खरल में घोटा गया है। इसकी खूबी ये है कि इसको आंखों में बसा के आप सबको देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं देख सकता। पागल तो नहीं हो गए? चोबिया काम पर है। अलिफ लैला के जमाने का सुरमा इस जमाने में काम नहीं आता। मियां कुछ भी कहो, मुझे तो फकीरों की करामात पे यकीन है। निगाहें मर्द कामिल से बदल जाती हैं तकदीरें। मेरी मानो तो इस सुरमे की एक सलाई आंखों में फिरा के गली गली कूचे कूचे जाके अपनी महबूबा को ढूंढ लो। अच्छा, तो एक काम करो इरशाद, एक दफा इसे खुद आजमा के देखो। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सुरमा अपनी आंखों में बसाकर बी आपा के आंगन में घुस जाओ। माशाल्लाह। वो तुम्हें देख नहीं सकेगी और तुम आजादी से सकीना के दीदार कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहे हो ना? इंशाल्लाह। लो बहन, पान तो हर घर के खाए भी आपा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में मजा वो कहीं नहीं। आए है बहन, अल्लाह जन्नत नसीब करे सकीना के अब्बा को, एक एक गिलोरी पर 50-50 दफा मेरा हाथ चूमते थे। सकीना के लिए कोई लड़का तो देखा भी आपा? आए हाय, बड़े बड़े घरों से पैगाम आ रहे हैं, मुझे को कोई पसंद नहीं आता निकोड़ा। अब कम पते या नबी। आए हाय, ये कौन मर्दुआ मुआ गुस्सा चला आ रहा है घर में? जी ठाई तो देखो मुए की कैसे घूर घूर के देख रहा है। अरे तेरे दीदे फूटे, तुझे ढाई घड़ी की आए, तेरी लाश में छे छे गज के कीड़े पड़े, क्या खाला भी का घर समझ रखा? सास का क्या कहा? डाकू मालूम होता है? डाकू क्या, अभी इसके 36 टुकड़े कर दूंगी। क्यों रे झाड़ू फिरे? वहाँ कहाँ मरता है, दरवाजा इधर है। मगर वो किधर है? कौन तेरी अम्मा? दीवाने हो गए हो हुदूद? हैं? अरे तुझ पे अल्लाह की मार, यही वो निगोड़ा झाड़ू फिरा हुदूद है। आ तेरी तो आज मैं खबर लेती हूँ। नाकारे आवारा। अम्मी, मेरी अम्मी, छोड़ दे छोड़ दे। अम्मी तुम भी हद करती हो, उसे मैं दीवानी हो जाती, इतने बड़े शायर की दुर्गत बना डाली। अरे शायर की बच्ची क्यों रे, तू यहाँ क्या लेने आया था? कौन था यहाँ मुशायरा आ रहा है, क्यों आया? इन्हें मैंने बुलाया था अम्मी। अरे क्यों, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए, मोहल्ले भर में बदनामी करने के लिए, ये नाक कटवाने के लिए? नहीं अम्मी, तुम्हें जहरे इश्क की मसनवी सुनवाने के लिए। ऐसा पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ। अरे बैठो बेटा बैठो, बेटी वाली होके हेकड़ी कैसी, तुम बैठो, मैं किताब लेके अभी आई। अब क्या खाक पड़ेंगे अम्मी, मार मार के तो तुमने बुरी हालत बना दी है बिचारों की, अब फिर किसी दिन से। ठीक है भी आपा, इस वक्त आपको भी क्या मजा आएगा, धोखनी की तरह तो आप हाँप रही हैं। अरे क्या कहूँ बेटा, कमजोरी की ये हालत है कि डेढ़ कदम चलती हूँ और गिर पड़ती हूँ। वो तो जाहिर है। चलिए आपको ड्योढ़ी तक छोड़ा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। हुदूद मियां फिर जरूर आना मुझे जहरे इश्क की मसनवी सुनाने के लिए। इंशा अल्लाह। सुभानअल्लाह, ऐसी मार पड़ी है झाड़ू फिरे पर कि हड्डी पसली का सुरमा बन गया। आय हाय, मगर मेरे हाथ भी कुछ कम नहीं दुख रहा। चल तेल मार दे। ये क्या सूझी थी आपको? अजी क्या बताऊं, उस तिल वाली लड़की को ढूंढने का यही तरीका बताया था उस पुलिया वाले ओहड़ बाबा ने। खुदा समझे उस जालसाज को, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अजी आई तो है, हड्डी हड्डी दुख रही है। अगर तुम्हें मेरी हालत पर तरस आता हो तो निल्ला मुझे बता दो पता उस लड़की का जिसे परवाना ने शेर लिख के दिया था। हो गया, 100% हो गया। क्या हो गया? छम्मो को नादान न समझिए रोशन बीबी, जब कोई लड़की आप ही आप शर्माए, आप ही आप मुस्कुराए, तो समझिए कि उसे किसी से प्यार हो गया। छम्मो, मैंने कहा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बंदी जान पर खेल के भी मेरा सर न खाओ। जाओ मेरे लिए मोती का गजरा ले आ। गजरा? जलवे मेरी निगाह हमें दोनों जहां के हैं, मुझसे छुपेंगे आप ऐसे कहां के हैं? तू जाएगी या नहीं? चाह ही तो रही थी रोशन बीबी कि निगोड़ा शेर याद आ गया।
जाना कहा? क्या शेर लिख कर दिया उस दिन आपने रोशन बीवी को? आप भी उनके साथ की क्या? मेरी गजल के बारे में आपका क्या ख्याल है? शेर पसंद आया था आपके रोशन बीवी को? उनका तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बहुत पसंद आया। मुझे भी कुछ लिख दीजिए ना। कुछ क्या, आपको तो पूरा दीवान लिख दूंगा। मुबारक हो, लीजिए परवाना साहब तो आप पे पूरे मेहरबान हो गए। जी, पर पूरा दीवान लेकर क्या चाटूंगी मैं? मुझे तो बस सिर्फ एक आध शेर लिख दीजिए, सोते जागते वही गुनगुनाती रहूंगी। अजी आप समझती नहीं है, देखिए दीवान को हथियाने के लिए तो लोग बाग सारा सस्तारी जोड़ते फिरते हैं और उनके मर जाने के बाद दीवान को बेच बेच के पुश्तों की कमाई खाते हैं। ले लीजिए, मैं भी आपसे मजाक कर रहा हूँ। मिर्जा गालिब, हजरत दाग, आगा हश्र, सबके कैसे कैसे रिश्तेदार निकल आते हैं। मैं आपके सबके, तुम मुझे भी लिख दीजिए ना एक दीवान, कागज लाऊं क्या? पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। फरमाइए, आपके लिए तो जान हाजिर है। अपनी रोशन बीवी की एक झलक दिखा दीजिए। मेरी नाक छोटी कटवाएंगे क्या? मैं अपनी तबीयत से मजबूर हूँ। देखिए, हाथ देखा था तो एक शेर कह दिया, सूरत देख लूंगा तो बस पूरा दीवान लिख दूंगा। अजी बस ये समझिए कि चुटकी बजाते में 10-12 हजार शेर कह देंगे। 10-12 हजार शेर? जी हाँ। अच्छा आप नहीं ठहरिए, मैं कोशिश करती हूँ। इंशाल्लाह। आप जाइए हुदूद मियाँ, अब यहाँ आपका कोई काम नहीं। तो अम्मा फिर मुझे कार्टून अच्छी करके लाए थे संग में? अगर मैं अकेला चक्कर लगाता तो गली मोहल्ले वाले ये समझते कि मैं पागल हूँ या आवारा। बहुत अच्छी अम्मा, बड़े मतलब ही आ रहे हैं, मेरा नंबर आ चिलमन डाल दिन है। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं भैया, दीदार करो तुम्हारे दिन है। क्या है? गजरा लाई मैंने लिए? जी वो तो मैंने ही लाई, अभी लाती। तो अब तक कहाँ थी? गली में एक ऐसा तमाशा हो रहा है, अपने आप ही कदम जम गए। तमाशा? कैसा तमाशा? कहने की नहीं, देखने की चीज है रोशन बीबी। मैं इसीलिए पलट आई कि आप भी एक नजर देख ले। ना मैं नहीं देखती, बस एक नजर अपनी बांदी की खातिर। जी खुश हो जाएगा आपका। तुम पर गुस्सा भी आता है? और हंसी भी। जरा एक नजर खिड़की में से झांक लीजिए। तमाशा गली में तो कोई भी नहीं, देखने वालों ने देख लिया होगा। हाँ बीबी, तमाशा तो खत्म हो गया, कहीं दूर ना निकल जाए। कौन? वही जादूगर। जादूगर कौन? मैं आपके लिए गजरा लिया। हाँ जाओ, फिर ना किसी तमाशे की खबर ले आना। हर रोज हसीनों का दीदार नहीं होता, ये तूर का जलवा है हर बार नहीं होता। आपसे प्यार हुआ जाता है, दुश्वार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है। हर कैद से घबराता था, खुद गिरफ्तार हुआ जाता है, खुद गिरफ्तार हुआ।
हुआ हो खुद गिरफ्तार हुआ जाता है आपसे से प्यार हुआ जाता है लताफत का शाहकार हो तुम फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम हला मैं बुआ बुआ क्या हुआ बिटिया बहुत खुश हो बुआ आपके छोटे सरकार ने आसमान से तारे तोड़कर टांग दिए हैं मेरे आंचल में जर्रे को आफताब बना दिया है क्या क्या लिख डाला है मेरे बारे में देखिए ना अरे मैं पढ़ना क्या जानू काला अक्षर भैंस बराबर तू ही सुना गुरूर कलियों का फूलों का इनके साथ अल्लाह शर्माती हुआ मैं तुम्हें सुनाएगा Thank you.
के परवाना आने न पाए हो। प्यारे
मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरा जहां जी चाहेगा वहां मैं तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगा। अब्बा जान, शादी में देर सवेर नहीं देखी जाती, ये जिंदगी का सौदा है। शादी क्या है ये मुझे समझाने की कोशिश न करो। अरे मियां, आज तक हमारे खानदान में छोटों की शादी बड़ी तय करते आए और खुदा के फजल से तलाक की नौबत कभी नहीं आई। जमाना बहुत बदल गया है अब्बा जान। क्या मतलब? अब कोई दो बेजोड़ परिंदों को एक पिंजरे में बंद करना पसंद नहीं करता। वाकई जमाना बहुत बदल गया है। पहले शादी के बाद मोहब्बत शुरू होती थी और अब शादी पर खत्म होती है। शादी अगर फांसी का फंदा हो जाए तो उसे तोड़ देना कोई बुरी बात नहीं। अरे भाई, इसकी नौबती क्यों है? मोहब्बत तो हैवानों को भी राम कर लेती है। औरत तो फिर पिघला हुआ सोना है, जिस सांचे में चाहो उसे ढाल लो। लेकिन ये परखने के बाद ही मालूम हो सकता है कि जिसे हम सोना समझते हैं वो पीतल तो नहीं। तुम लोगों को अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं? मालूम नहीं ये नई दुनिया किधर जा रही है। जिसको देखो डरावा, जिसको देखो सहमा हुआ। आखिर ये कौन सा खौफ है जो पूरी नस्ल को खाए जा रहा है? गुस्साखी माफ अब्बा जान, आपकी ये दलीलें मेरी राय नहीं बदल सकती। मैं तो यहां तक तैयार हूं बेटा, अगर तुमको अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करना है तो मैं वहां पैगाम भिजवा दूं। जी, तुम्हें पसंद है कोई लड़की? जी हाँ। तो बदलाते क्यों नहीं बरखुरदार? क्या आता पता है लड़की वालों का? अभी मुझे यही पता नहीं है अब्बा जान कि वो लड़की भी मुझे पसंद करती है या नहीं, और जबरदस्ती की शादी मुझे मंजूर नहीं। किस सोच में है बेगम साहिबा? जब से परवेज मियां की शादी की बात छिड़ी, शमा भी उदास है और परवेज मियां भी। इस तरह चुप चुप पहले तो कभी ना थे दोनों। अल्लाह रखे, एक शमा है और दूसरा परवाना। क्या मतलब? परवाना बेकरार हो तो शमा भी खामोश रोया करती है। मैं समझी नहीं। औरत जात दिल का घाव भी चुपचाप सह लेती है, मर्द उंगली की खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे सरकार जो चाहते हैं वो ना हुआ तो अल्लाह जाने क्या होगा। वो क्या चाहते हैं परवेज मियां, बताते भी तू नहीं। शायद उन्हें नवाब लियाकत अली की लड़की पसंद नहीं, वो किसी और को चाहते हो। हाय अल्लाह, इतनी सी बात के लिए खुद नाखुश रहकर माँ का दिल तड़पा रहा है। परवेज मियां जिस लड़की को पसंद करते हैं मैं उसी को अपनी बहू बनाऊंगी। सच बेगम साहिबा? हाँ जी सर, बेटी की खुशी से बढ़कर माँ को और क्या चाहिए। मैं अभी शमा को भेजती हूँ, वो खुद जाके पूछ लेगी कि परवेज मियां को कौन सी लड़की पसंद है। हम उन पर फिदा हैं, वो चाहें न चाहें, नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। ऐसी कौन बदनसीब होगी जिसे आप चाहें और वो आपको न चाहे। ये और बात है कि किसी की पसंद बेजबान हो। सिर्फ मेरी बात नहीं शमा, उनकी राय तमाम शायरों के मुतल्लिक खराब है। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? रोशन। तुम्हें क्या? चोट तो नहीं है? जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम छुपा रही हो? जी। किस सोच में पड़ गई तुम? मैं कुछ नहीं, मैं क्या सोचूंगी। मैं सोच रही थी पैगाम भिजवा दीजिए ना। डरता हूँ उधर से इनकार ना हो जाए। मुश्किल तो यह है उन्हें मेरी तड़प का अंदाजा नहीं, और इतनी दूर से उन्हें मेरी तड़प का अंदाजा हो भी नहीं सकता। तड़प का अंदाजा तो कुछ लोग करीब रहकर भी नहीं लगा सकते। मेरा मतलब है आपकी शायरी से उन्हें सब अंदाजा हो जाएगा। मेरी शायरी वहां तक पहुंचे कैसे? ऐसा कौन है जो मेरे ख्वाब अपनी आंखों में, मेरे अरमान अपने दिल में छुपा के ले जाए और मेरे दिल की बात रोशन के दिल तक पहुंचा दे। मुझ बदनसीब को आप इस काबिल भी नहीं समझते। तुम जाओगी, तुम मिलोगी रोशन से? क्यों नहीं, आपको वो पसंद है तो उनसे मिलकर मुझे कितनी खुशी होगी इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे यकीन है रोशन से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी और मेरे इंतखाब के दाग देना पड़ेगा। ठहरो, मेरी एक नज़्म भी लिखी है।
मौका मिले तो सुना देना। जी नज़्म की जरूरत नहीं, आपका हर शेर मेरे दिल पर नक्श। शमा, तुम्हारे ये एहसान में जिंदगी भर याद रखूंगा। शुक्रिया। मस्त आंखों में शरारत कभी ऐसी तो न थी, यूं ही शर्माने की आदत कभी ऐसी तो न थी। ये किसका शेर है बीबी? परवाना साहब का, बड़ी खूबसूरत गजल है। परवाना साहब की गजल ना गाया करें बीबी, वो बड़े फरेबी आदमी हैं। तुम्हें क्या फरेब दिया उन्होंने? कहते थे पूरा दीवान लिख दूंगा, फिर ऐसे गायब हुए कि। तुम्हें कहाँ मिले थे? मुझे अल्लाह का बसाया हुआ इतना बड़ा शहर है, रास्ता चलते हो ही जाती है मुलाकात। लेकिन रास्ता चलते कोई किसी से दीवान लिख देने का वादा नहीं करता। सच बता क्या बात है बीबी? आप तो जानती हैं मैं बड़ी रहम दिल हूँ, वो आपके दीदार के लिए तड़प रहे थे। तो इसलिए तुम इस दिन मुझे खिड़की में ले गई थी? आज से तौबा करती हूँ, ऐसी खता फिर कभी नहीं होगी। मैं तो समझी थी ये सवाब का काम है। खैर मैं तो माफ कर देती हूँ। मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। यूं ही शर्माने की आदत कभी ऐसी तो ना थी, कभी ऐसी तो ना थी। मस्त आँखों में, मस्त आँखों में शरारत कभी ऐसी तो ना थी। ओ, कोई बिजली है कि नस नस में जो लहराती है, मुझे क्या जाने कहाँ लेके उड़ी जाती है। रोशन आरा के यहाँ जा रही है? खुदा का नाम लेकर जाओ शमा, मेरे मुतालिक उनकी राय बदल जाए। कहते तो है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ओ, बहकी बहकी हुई नजरों का सलाम आता है, दिले बेताब उनका पयाम आता है। शमा है,
नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचानती हूँ जी। परवाना साहब की गजलों में आपको बारहा देखा है। मुझे? जी हाँ, उनकी शायरी की रूह है आप। मैं? जी, आजकल वो आप ही पर नज़में लिखा करते हैं। और मैं? आप कौन हैं परवाना साहब की? यूं समझिए कि वो मेरे मालिक हैं। तशरीफ रखिए। ए तौबा, फिर आ गई तू? आए हाय, मैं आप दोनों की बातें किसी से कहूंगी थोड़े ही। चल निकल यहाँ से। जा तो रही हूँ रोशन बीबी, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? लीजिए चलिए। ये बड़ी दीवानी है परवाना साहब की। कोई उनका दीवाना हो, कोई उनका आशिक हो, वो तो सोते जागते आप ही के ख्वाब देखते रहते हैं। आप इसे अपनी दुनिया रोशन करना चाहते हैं। मैं शमा तो नहीं हूँ। खुशी की बज़्म में क्या जिक्र जलने वालों का। आप भी किसी से मोहब्बत करती हैं? जी, जिस दिल में मोहब्बत ना हो वो बदतर है। देखिए ना, इसे मोहब्बत ही का करिश्मा कहना चाहिए कि परवाना साहब ने एक ही झलक से आपकी ऐसी तस्वीर बनाई है कि। तस्वीर? जी हाँ। तो क्या उन्होंने शायरी छोड़कर मुसव्वरी शुरू कर दी? तस्वीर सिर्फ रंगों से ही नहीं, लफ्जों से भी खींची जाती है। और ऐसी ही एक तस्वीर लेकर मैं आपके पास आई हूँ। मुझे दिखाने के लिए? जी नहीं, सुनाने के लिए। शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार तुम, फकत बहार नहीं हासिल है बहार हो तुम। मुराद गुरूर कलियों का, गुरूर कलियों का फूलों का इंकिसार हो तुम्हारे जिस्म में आबीदा है हजारों राग, निगाह छेड़ती है जिसको सितारो तुम, जिसे उठा न सके जूस्तुजू वो मोती हो, जिसे न गूंद सके आरजू वो हार हो तुम, जिसे न बूझ सके इश्क वो पहेली वो, करार छीन लिया, करार छीन लिया जिसने वो करार हो तुम। अम्मा कमाल कर दिया दिलावर मियाँ, जहर खिलवा दिया हसीनों को, मार डाला तमाशबीनों को। क्या हुआ बाकी मियाँ? अम्मा ये पूछो क्या नहीं हुआ, दो दिन से रो रो कर बुरा हाल कर दिया है गौहरजान ने। अम्मा चलो खुदा के वास्ते जल्दी चलो। अम्मा दम तो लो। तो उनकी इस नज़्म का जवाब नज़्म में देती, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तो, इसका जवाब सिर्फ शुक्रिया तो कुछ भी नहीं। आप तो नसीब वाली हैं, ये आरज़ू भी पूरी हो जाएगी। कैसी हो जीनत बेगम? अल्लाह का शुक्र है। ये निगोड़ी आँख कल से ही फड़क रही थी। ये क्या बियापा? सबका अजीजन
ये सदका का रुपया उठा लो, किसी फकीर को दे देना। अरे तू रहने दे, मैं खुद ही किसी यतीम खाने में भिजवा दूंगी। हाँ। भूल न जाना बियापा। अरे तेरे मुंह में खाक, मैं क्या सदका या खैरात खाने वाली हूँ, बस आज से ये घर भी छूटा। खैरा बियापा, तुम जरा जरा सी बात पर खफा हो जाती हो, इसीलिए सब चिढ़ाते हैं तुम्हें। मैं तो खड़े खड़े ऐसे घर में पानी भी ना पीऊं जहाँ मेरी इज्जत ना होती हो। मैंने कहा एक गिलास पानी तो मंगा दो। क्या कहूँ गुस्से के मारे, प्याज भड़क उठी निगोड़ी। अजीजन पानी ले आओ। बेटी वाली होकर हेकड़ी कैसी। या अल्लाह रहम कर। मैंने कहा जीनत बेगम अब तो अपने बच्चे की शादी कर डालो, कम से कम बहू को खिदमत करने का मौका तो मिलेगा। बात तो चल रही है नवाब लियाकत अली की बेटी से। और है क्या, मत मारी गई है, वो तो एक टांग से लंगड़ी है। क्या कहती हो तुम, तुमने देखा है उसे? बस मेरी जबान ना खुलवाओ, मुझ में किसी की लगाई बुझाई की आदत नहीं है। अरे वो तो किसी के साथ भाग रही थी, सीढ़ियों पर से गिर पड़ी, बस उसी रोज से उसकी टांग बेकार हो गई। सच? हाँ तुम्हारी जान की कसम। तेरी शान के सदके। आते हैं नवाब साहब, पूछती हूँ उनसे। आए हाय खुदा के लिए मेरा नाम मत लेना जिनत बेगम, वरना बिला वजह का बैर पड़ जाएगा। कैसा जमाना आ गया है, अच्छी लड़की चराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलती। एक बात कहूँ जिनत बेगम, बुरा ना मानना जिनत बेगम, या तो धन दौलत ले लो या फिर अच्छे घर की लड़की। अल्लाह बख्शे मरहूम वसीयत कर गए थे कि सकीना को परवाना साहब की कनीजी में देना, मगर बुरा हो इस गरीबी का जो तुमसे आज तक बात करने की हिम्मत ही ना हुई। अमीरी गरीबी की बात नहीं बियापा, आजकल औलाद की मर्जी देखनी पड़ती है। हम कुछ सोचते हैं और परवाना साहब कुछ और। उनकी खबर आने में बड़ी देर हो गई, दुनिया हमारी आंख में अंधेर हो गई। सुभान अल्लाह, क्या कहना, ये शेर तुम्हें नहीं कहा है? जी नहीं। अच्छा, तो किसी दूसरे शायर का शेर पढ़ रहे थे? जी हाँ, न जाने कैसे याद आ गया। जिस हालत में शायर खुद होता है वैसे ही उसे दूसरों का शेर याद आ जाता है। जी किसकी खबर आने में बड़ी देर हो गई साहबजादे? जी शमा की। शमा? जी नहीं अब्बा जान, शमा की खबर कहाँ से आती, वो तो यहीं है। न जाने मेरी जबान से क्या क्या निकल रहा है। ये बीमारी अच्छी नहीं है बेटे, तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बतलाते कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर इस तरह से छाई है? अब्बा जान, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जबरदस्ती की शादी मुझे मंजूर नहीं। आप शायर बाद में हैं परवाना साहब, पहले इस घर के बाहर चिराग। बेटा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी अम्मी और मैं तुम्हारा सेहरा देखने की क्या क्या हसरतें लिए बैठे। आज मेरी मोहब्बत के फैसले का दिन है अब्बा जान। रोशन। जी भाई जान। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? कोई इत्र के शीशे उठा लाए होंगे। गलत, ये देख। घड़ी बहुत खूबसूरत है। और ये? ये भी बहुत खूबसूरत है, ये किसके लिए है? शायद तुम अपनी किसी सहेली वहेली को देना चाहो, मेरा मतलब है कि ये मैं शमा को दे दूंगी। अच्छी लगेगी उसकी कलाई में? क्यों नहीं, बड़ी खूबसूरत है वो। अच्छा खूबसूरत है तो हमारी दोस्ती करा दो उनसे। पुकारो अम्मी जान को, अब तो ये घड़ी शमा को कभी नहीं दूंगी। तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना तो बता दो ये शमा है कौन? परवाना साहब की कोई है। आदमी बड़ा हुस्न परस्त मालूम होता है। बहुत ज्यादा, आप भी शायर होते तो कितना अच्छा होता। अजी तोबा करो, शायरी बड़ी मनहूस चीज है, तमाम अच्छे शायर भूखे मरते हैं। अंगूर खट्टे हैं। देखो मुझे गुस्सा ना दिला वरना तुम्हारी शादी किसी शायर से कर दूंगा। हाँ अल्लाह करे आपको जल्दी गुस्सा आ जाए। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है कि गजल खुद लिखो और रोशन के नाम से परवाना साहब को सुनाओ? यही कि जब तक उन्हें रोशन की मोहब्बत का यकीन नहीं आएगा वो पैगाम नहीं भिजवाएंगे। हाय अल्लाह, तुम्हें उनकी शादी की जल्दी क्या है? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना हो नामुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।
खुदा जाने ये सब क्या सूझ रहा है तुम्हें। आप जाइए बुआ, मुझे गजल मुकम्मल करनी है। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। आकर दूर चली गई। अभी अपनी नज़्म सुना रही थी, अभी गायब हो गई। आप शायर हैं ना? हाँ, नज़्म पसंद आई आपको? ये शायरी नहीं, जादू है। उनका एक-एक लफ्ज़, एक-एक हर्फ दर्द, खुलूस और प्यार में डूबा हुआ है।
मैं अब तक सिर्फ उनके हुस्न का दीवाना था, अब तो उनकी शायरी के आगे भी सर झुकाना पड़ेगा। रोशन मुझसे भी बड़ी शायरा, शर्म हया के पर्दे में अपनी मोहब्बत को चुपचाप आंसुओं से सींचते रहे सिर्फ औरत का काम है, और ऐसी औरत मोहब्बत ही नहीं परस्तिश के काबिल है। तुम चुप क्यों हो शमा? क्या रोशन आरा की तारीफ तुम्हें पसंद नहीं? माफ कीजिएगा, आपके इंतखाब की दाद देना तो मैं भूल ही गई। अब खालू जान से कह के पैगाम भिजवा दीजिए। मैं भी कहता हूँ तुम तो आसमान से चांद तोड़ लाई बेगम। है खुदा नजरे बद से बचाए। लो बुआ, आपकी तस्वीर इस कमरे में है, ये तो आप जानते हैं। आप मेरे दिल में भी हैं, ये आपने कभी नहीं जाना। अब आप सिर्फ मेरे दिल में रह सकते हैं, इस कमरे में नहीं। कैसी लगी बहू भी आपा? हाँ है तो आदमी का बच्चा, सूरज शक्ल भी खासी है, अब सीरत में अच्छी हो तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना। दुल्हन बनकर चार चांद लग गए रोशन में। चार चांद लग गए रोशन में? अरे कल मुई कहा था जरा होंठों पे लाली ढेर सारी फैले, काजल लगा ले, चली आई घर से। चल घर, घर चल तू। ऐसे नहीं, पहले मुंह दिखाई दो। बहू, शमा ने सबसे बड़ी मुंह दिखाई दी। अब लगे हाथों शमा के भी हाथ पीले कर दो दिनत बेगम। खुदा जाने इस बेचारी की तकदीर में क्या लिखा हुआ है। दिल ना काम ये आ
तुमने अपनी नींदें खुद उजाड़ डाली शमा। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, उनकी मोहब्बत की भीख नहीं मांगी, यही ना, अगर ऐसा करने पर भी ठुकरा दी जाती तो एक पल भी जिंदा न रहती। बेटी, इस तरह रातें जाग जाग कर कब तक जिंदा रहोगी? ये मेरे बस की बात नहीं बुआ, जब तक तड़प सकी तड़पती रहूंगी। मुझे परवाना साहब से कोई शिकायत नहीं, उस रात अगर गलतफहमी न होती तो मैं आपसे भी अपनी मोहब्बत का जिक्र न करती। मेरी मोहब्बत नाकाम से ही, बदनाम तो नहीं, ठुकराई तो नहीं गई, यही काफी है मेरे लिए। तेरा प्यास मेरी, सागर सागर तेरा रस, जितनी मन में भड़की है कम से कम इतना तो बरस। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। खुमार आलूदा आँखें, बल जबी पर दर्द है सर में, रहे तुम रात भर बेचैन किस कमबख्त के घर में। ये फितना आतिशे उल्फत का पहुँचेगा न महशर में, लगी है आपके घर से बुझेगी आपके घर में। वाह वाह, कितना अच्छा मजाक है तुम्हारा, मैं तो अपनी किस्मत पे नाज करता हूँ, जैसा रूप वैसा जहन। काश मैं भी शायर होती। अब और कितनी बड़ी शायर होना चाहती हो? मैंने शमा के मुंह से तुम्हारी पहली गजल सुन के कह दिया था कि तुम मुझसे भी अच्छी शायरा हो। आपको आपको याद है वो गजल? अपनी मोहब्बत का पहला जवाब भी भूल सकता है कोई? क्या जज्बात थे, जहे नसीब अता की जो दर्द की सौगात, वो गम हसीन है जिस गम के जिम्मेदार हो तुम। आप इसे शायरी समझते हैं? सिर्फ शायरी नहीं, जादू। ये ना शायरी है ना जादू, एक मासूम दिल की खुटी खुटी दबी दबी आवाज। और हम इस आवाज के शहीद। खुदा ना करे। छोटे सरकार ने कहा है आप तशरीफ रखिए, वो अभी आते हैं। हम और भले आदमी से कहो कि बाहर एक पलंग डलवा दे, मुझे बैठे बैठे नींद आने लगी है। अच्छी दोस्ती है यार, ढंग तुम्हारी की कहां भाग गए? अब तो तुम अकेले हो गए हो जी। हां आधा भर दे। अब तुम भी अपनी शादी कर डालो। जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुजूर, बहुत दूर की सोच लेते हैं। अर्जी है कि शादी करीब करीब पक्की हो चुकी है, लेकिन। लेकिन क्या जी? अर्जी है कि आप तो जानते हैं बीबी के लिए मकान चाहिए, और मकान की कितनी किल्लत है आजकल। ओह तो ये बात है जी। हाँ तशरीफ रखिए, और इसी मजमून पर एक नज्म कह डालिए, इतनी देर में परवाना साहब जाग उठेंगे। जी हाँ, मैं इसी काम का हो गया, हर बात पे गजल कहूँ बहुत अच्छे। अम्मा पता ही लोगों क्या हो जाता है, शादी हुए दिन भी भाई लोग यारों को भूल जाते हैं, दिन में पड़े सोते रहते हैं। कमाल है। बजा लाता हूँ उदुद मियां। जीतो रो बरखोदार, जीतो रो। अम्मा बड़े अहदी हो गए यार हैं, दिन चढ़े तक पड़े सोते रहते हो, कमाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? खैर कोई बात नहीं, मैं ये पूछने के लिए आया था कि वो शाम को जो कंपनी बाग में मुशायरा है, मियां वहां चल रहे हो? नहीं मियां, कौन अपनी रात बर्बाद करे। बहुत अच्छे। अम्मा शादी होते ही शायरी को तलाक और यारों को हरी झंडी है। तुम अभी कुंवारे हो हुदूद मियां। अल्हम्दुलिल्लाह, और शायद हमेशा कुंवारे रहोगे इंशाल्लाह। मैं तुम्हें अपनी हालत कैसे समझाऊं? जब से तुम्हारी भाभी ने मेरी दुनिया रोशन की है, मैं चांद सितारों से भी बेनियाज हो गया। अरे नाज़वालन आज क्या है, जाऊं। आधा वर्षे परवाना साहब। आधा वर्षे बेगम साहबा ने दुआ कही है और मिजाज पूछा है। खुदा का शुक्र है, अंदर जाओ। वो मेरा दीवान कहाँ है? कह दिया ना, अंदर जाओ। वाह परवाना साहब, मतलब निकल जाने के बाद अच्छी आंखें फेर लिया। मियां परवाना साहब, ये हरकत आपकी अच्छी नहीं है कबला। आए हाय, ये कौन बोल पड़ा बीच में? ये हुदूद साहब है। हुदूद? जी हाँ, आधा वर्ष है।
मैं तो समझी कोई मर्द है। बदतमीज कहीं की, मैं तुम्हारी ससुराल में सब ऐसे ही है। नहीं, ये बहुत शौक है। तो फिर मुबारक हो यार, कहा चले? अमर ठहरो भी, इतनी जल्दी क्या है? मैं जल्दी मुझे तो नहीं है, अलबत्ता तुम्हें जरूर जल्दी होगी अंदर जाने की। हाँ थी तो सही, लेकिन ये बीच छम्मो जो आंट की कबाब में हड्डी बनकर। बहुत अच्छा, तो हुजूर ने मुझे डोम और मिरासी समझ रखा कि दिन भर में बैठा हुआ आपका दिल बहलाता रहूंगा। मियां कान खोल कर सुन लो, मैं खालिद शायर हूँ, खालिद समझे, मेरे भाग चाहने वाले हैं। खुदा हाफिज। भाईजान से कहना कभी सूरत तो दिखा जाए मैडम को, वो तो खुद ही आना चाहते थे और फिर मुझे भेज दिया। शमा कहाँ है? आई हूँ तो जरा उन्हें भी सलाम कर लो, अभी बुलवा देती हूँ। आप क्यों बुलवाएंगी यहाँ, मैं खुद ही ढूंढ लेती। अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, मैं तो शमा बीबी से मिलने जा रही हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो उनका कमरा मिल जाएगा। शुक्रिया। अम्मी जान बहुत बेचैन है मेरे लिए, आप कहें तो एक दो दिन के लिए चली जाओ। नहीं नहीं, मेरे जी नहीं लगेगा, तुम रह सकोगी वहाँ मेरे बगैर। आपकी तस्वीर ले जाऊंगी। ये इतनी बड़ी तस्वीर देखकर दिलावर भाई क्या कहेंगे? छोटी तस्वीर भी है मेरे पास। ये देखिए। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये तस्वीर तो शमा के पास थी। शमा ही ने मुझे दी है, वो दिखाई। अब ये तस्वीर मेरे सिवा कोई नहीं। कह तो दिया कि मैं नहीं रख सकती, ले जाओ ये इत्र, और अब ये तकलीफ कभी ना करना। तकलीफ कैसी बीबी, मुझे तो दो चाहने वालों को मिला के बड़ी खुशी होती है। चुम्मे, मुझे क्या समझा है तुम्हारे दिलावर ने? अगर वो रोशन का भाई ना होता तो मैं गुस्सा क्यों करती है शमा बीबी? दिलावर मियाँ के ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। देखो छम्मो, मैं फिर कहती हूँ कि चली जाओ यहाँ से, दोबारा तुमने किसी का नाम लिया अच्छा, तो नाम नहीं लेती, पर ये इत्र तो रख लो, नहीं तो दिलावर मियाँ बिगड़ेंगे मुझ पर। मैं फिर कहती हूँ शमा, परवाने की तरह मन लाएंगे तुम पर। चली जाओ यहाँ से, अल्लाह के वास्ते चली जाओ, खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। रहम करो मुझे, परेशान मत करो। हाय हाय, झाड़ू फिरे इन मुंडी कांटों पर, सारी सड़कें खोद कर रख दी। क्या हुआ बियापा? क्या कहूँ बहन, टांगा उलट गया। दिलावर मियाँ कहाँ है? अभी अभी बाहर गए हैं पांके मियाँ के साथ। हाय हाय, अल्लाह की मार इन दोस्तों पर। वही गए होंगे गौहर जान किया। हाय अल्लाह, ये क्या कह रही हो? मैं क्या, सारी खुदाई यही कह रही है, जहाँ जाओ दिलावर मियाँ और गौहर जान के चर्चे हैं। अच्छा किया बियापा, तुमने मुझे होशियार कर दिया। आ जाने दो, ऐसे कान उमेठूंगी ऐसे कि बस। ना 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 ना, भड़का घोड़ा और बिगड़ा लड़का जोर जबरदस्ती से काबू में नहीं आता, पाँव में बेड़ी डाल दो। हाँ, जोरू आके सब हेकड़ी निकाल देगी। बिरयानी, बिरयानी की खुशबू आ रही है क्या? छम्मो जी, बियापा के लिए बिरयानी लाओ। छम्मो बस थोड़ी सी लाना। सच कहा है किसी ने, दाने दाने पर मोहर होती है। बियापा जी, तुम्हारा तो हर एक घर में जाना आना होता है। हाँ। दिलावर के लिए कोई लड़की देखो ना। कहाँ से ढूंढू तुम्हारे लिए बहू, जब से ये निगोड़ा बायोस्कोप निकला है घर घर में लैला मजनू का नाटक होने लगा है। लो बियापा, ले आई। इतना सब क्यों ले आई? ये तो थोड़ा सा वापस ले। नहीं नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। मैंने कहा रिजक वापस करना अच्छा नहीं बेटा, बुरा मानता है अल्लाह। सकीना मेरी बेटी है इसलिए नहीं कह रही, ईमान की बात तो ये है कि लाखों में एक है मेरी बच्ची, खाने में पिरोने में सीने में पहनने में किसी चीज में भी कम नहीं है। बिरयानी पसंद आई भी आप? जाओ तेरे, डालडा घी की ऐसी आदत पड़ गई कि अब तो खालिद जी अच्छा ही नहीं लगता। भी आपा, तुमने सकीना की बात निकाली थी ना? हाँ यही तो मैं कह रही थी, आजकल का जमाना नकली चीजों का है। मेरी सकीना में वो चमक धमक तो नहीं, मगर इतना कह देती हूँ मुट्ठी में रखेगी खसम को। पानी नहीं पियोगी बियापा? झाड़ू फिरे, तेरे कलेजे में क्यों दर्द हो रहा है हथनी है? तू तो जैसे पड़ी सूखी काटा है। छम्मो, तू बहुत बदतमीज हो गई है, जा भाग यहाँ से। अच्छा हुआ आपने इसे भेज दिया, वरना मुंडी मरोड़ के रख देती। बियापा, चमक दमक तो मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन हड्डी में पेमन कैसे लगाऊं? तो बस मुंह पे लोई फेरे, बेटे की करतूते देखा करो, सारे शहर में थुई थुई हो रही है। ना
ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हो तुझे? आय हाय, शीशे के महल में बैठकर पत्थर ना चलाया करो दिलदार बेगम। तिल्ली के तेल में खुशबू मिला मिला के चार पैसे क्या कमा लिए कि मैं हड्डी वाली बन गई। पेटी वाली होकर ऐसे जबान न चलाया करो बियापा, ये आदत अच्छी नहीं। या ऐसा दामाद ढूंढो जो रोज तुम्हारी चार बातें सुना करे। तुम ठीक कहती हो बहन, इससे तो फिर वो मुआ खुदूद ही ठीक है। एक दो दफा झाड़ू की मार भी खा चुका है बेचारा, और कुछ नहीं तो जहरे इश्क तो सुनने को मिलेगा। बहन एक बात कहूँ, किसी से कहना नहीं, निगोड़ी सकीना को भी उसी से इश्क है। मगर वो है कौन? आय हाय मेरी जाने जूती, निगोड़े का कोई आगे ना पीछे, घर दमाद ही रखना पड़ेगा और क्या। तुमने तो हमारे कमरे में ना आने की कसम खा ली है शमा। ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरी रूह हर अभी के साथ रहती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरी दुनिया तो जन्नत में बदल दी है तुमने। मैंने ये परवाना साहिब ने औरत मोहब्बत के साथ शोहर की तरफ से इज्जत की विभूति होती है। मोहब्बत मुझे उन्होंने दी और इज्जत तुमने दिलवाई, वो मुझे अपने से भी बड़ी शायरा समझते हैं। मेरी तरफ से तुम उन्हें वो गजल ना सुनाती तो आपने कहा तो नहीं कि वो गजल आपकी नहीं थी? नहीं, उनकी नजरों से मैं अब गिरना नहीं चाहती। काहे को फिक्र करती है, आपके और मेरे सिवा कोई नहीं जान सकेगा कि वो गजल मैंने लिखी थी। तुमने वो गजल तुमने लिखी थी? वो गजल क्या, आपके जज्बात की तर्जुमानी कर दी थी मैंने। शमा एक बात पूछो, तुम चाहती हो किसी को? बिना चाहते तो ये मुमकिन नहीं कि तुम ऐसी गजल लिख सको। ये चाह किसे? आपका। माशाल्लाह, बहुत घुल मिल के बातें हो रही हैं। जाइए, नजर ना लगाइए हमारी दोस्ती को। शमा रोई थी क्या? नहीं तो, अच्छी भली बातें हो रही थी हमारी। इसकी आंखें देखो, मुझे तो साफ नजर आ रहा है। क्या बात है शमा? कुछ भी तो नहीं, आप जाइए ना, मैं पूछ लूंगी। जी हाँ, हमें अब काहे को बताएंगे, हम तो गैर हो गए। हमारी तस्वीर तक अपने कमरे में रखना गवारा नहीं। शमा, शम्मू ने तो कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर दी तुमसे? जानी क्या समझकर दिलावर भाई ने मुझे इधर भेज दिया। दिलावर भाई ने इधर भेजा है तुम्हें? सच? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें अपने भाभी बनाऊं। दिलावर भाई पसंद है तुम्हें? देखिए रोशन दुल्हन, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें दिलावर भाई पसंद नहीं है ना? अभी परवाना साहिब आप ही को भीनते हुए आए थे, जाइए ना, इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, खत्म होती है जिंदगानी आज, खाक में मिलती है जवानी आज, दिल में लेकर तुम्हारी याद चले, बाग आलम से ना मुराद चले। क्या हुआ अभी आपा? अरे मिया, ये मसनवी सुनकर कलेजा फटा जा रहा है। उस बेचारे ने शर्म के मारे अपनी जान तक दे दी। अजी आप तो जरा जरा सी बातों पे अपना नन्ना सा दिल कुढ़ा लेती हैं भी आपा। अर्ज ये है कि हर नासमझ लड़की इज्जत के मुकाबले में जिंदगी को सदके का कौवा समझती है। कौवा समझी? ए, वो जो मुढ़ेर पे आके बैठता है सुबह सुबह। जब करोगे उल्टी बात है? अरे वो ना समझती क्या समझदार? अजी ना समझ सोले आने ना समझ, ए, माफ करना आग बन गई। समझदार लड़कियां तो बड़ी ढीठ होती है, ढीठ, माफ करना। हाँ ए अम्मी, अब छोड़ भी दो बेचारों को, जरा ये भी पीठ सीधी कर ले। अरे बेशरम, तेरी आंख का पानी मर गया है क्या? शाम होते बन्नों की आंखों में नींद ढील मिला रही है। कान खोल कर सुन ले, मैंने तेरी शादी हुदूद मियां से इसी शौक में की है कि वो रोजाना जहरे इश्क की मसनवी मुझे पढ़कर सुनाया करे, समझी? हाँ झाड़ू फिरी। हाँ मियां, वो लड़की तो मर गई, मगर उस लड़के बेचारे का क्या हाल हुआ? ए जी हे जी, गैर हो गई हालत,
और गम से बिल्कुल बदल गई सूरत। हमारा तो क्या वाकई शमा ने तुम्हारा भेजा हुआ ही तक ठुकरा दिया? शमा को शायद मालूम नहीं कि दिलावर ने कितने पत्थर पिघलाए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मुझे खम का तैश न दिलाओ बाकी मियाँ। अमर तुम्हें तैश आ जाए तो इसी में तुम्हारी बहन रोशन आरा की भलाई है। क्या मतलब? शमा अगर उसी घर में जलती रही तो तुम्हारी बहन रोशन आरा की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरी रहेगी। नहीं, तुम नहीं समझते दिलावर मियाँ, शमा और तुम्हारे बहनोई परवाना साहब में क्या रिश्ता है? बहर हाल वो रिश्ता नहीं है जो तुम समझते। शमा ने तुम्हारा भेजा हुआ इतर वापस कर दिया तो फिर इसका और क्या मतलब हो सकता है? अगर ऐसी बात होती तो परवाना साहब रोशन से शादी के लिए इतने जतन नहीं करते। दिलावर मियाँ, तुम बहुत भोले। आजकल के शहरों को तुम नहीं जानते। ऊंचे घराने में शादी करके सुरखरू भी हो गए और शमा परवाने का नाटक भी जारी रहा। अमा गौहर बाई की वो गजल याद नहीं है जिसमें शायर साहब ने अपने नाम के साथ शमा का भी जिक्र किया है? है काम मेरा जलना और नाम है परवाना। मुझे बहकाने की कोशिश न कर। हाथ कंगन को आरसी क्या? कल ही चले जाओ पैगाम लेकर। मंजूर हो गया तो आप सच्चे, नहीं तो मैं मुजरिम। मरने ना
जाग रही थी। तुम्हारी दर्द भरी आवाज ने जगा दिया। मैंने आपकी नींद में खलल अंदाजी की, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं तुम्हें तब तक माफ नहीं करूंगी शमा, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम किस बेदर्द की मोहब्बत में खुला करती हो। मेरे लिए क्यों परेशान होती है रोशन दुल्हन, मैं मजबूर हूँ, मुझसे कुछ न पूछिए। मैं इतनी नादान नहीं हूँ, सब समझती हूँ। तुम्हें मोहब्बत में धोखा दिया है किसी ने, तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया है किसी ने। होता नहीं बर्बाद कोई अपनी खुशी से, बिगड़ी हुई तकदीर पे क्या जोर हमारा। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन तुम्हारी दी हुई सब खुशियां होते हुए भी मैं तुम्हारे लिए बेचैन हूँ। एक ही घर में दो बहनें, एक रोए और एक हंसे। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ शमा कि अपनी खुशी में तुम्हारा गम भूल जाऊं। अब रात ज्यादा हो गई, आप आराम कीजिए। तुम ये राज मुझसे छुपाना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इश्क और मुश्क लाख छुपाने से भी नहीं छुप सकता। मैं तुम्हारे महबूब का पता लगा कर ही रहूंगी। या खुदा, मेरी मोहब्बत की लाज रखना, हर कदम पे मेरा नया इम्तिहान न ले। ला हौले वला कुव्वत दिलावर मियां, मैं दुनिया की हर नामुमकिन बात तस्लीम कर लूंगा, मगर ये मानने के वास्ते तैयार नहीं हूँ कि शमा और परवाना साहब में ऐसा कोई रिश्ता है। खुदा करे मैंने जो कुछ सुना है वो गलत हो। फिर भी क्या बरखुरदार, दुनिया में कान भरने वाले बहुत से होते हैं, समझदार आदमियों को ऐसी बातों पर एतबार नहीं करना चाहिए। आपको मशवरा देना है तो छोटे मुँह बड़ी बात है, लेकिन रोशन के रास्ते से ये कांटा दूर हो जाता। मियाँ, लड़की पराया धन होती, वो कहाँ तलक इस घर में बैठी रहेगी, लेकिन जब तक कोई मुनासिब पैगाम ना हो मैं रोशन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए, शमा से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम नहीं जानते हो दिलावर मियां, वो शमा को मैंने बेटी की तरह पाला, लेकिन वो हमारी दूर की रिश्तेदार और बेचारी यतीम। मुमकिन है आप हैरान, मुमकिन है बहन के लिए भाई की कुर्बानी को दुनिया हिमाकत समझे, लेकिन मुझे रोशन की खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीब नहीं। अपनी खुशी के लिए जज़ाकअल्लाह, जो अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है वो अपनी बीवी को भी कभी नाखुश नहीं रखेगा। मुझे तुम्हारा ये पैगाम मंजूर है, शमा तुम्हारी हो गई, सलामत उम्र दराज। मुबारक हो रोशन, हम एक दूसरे के और करीब हो गए। दिलावर भाई शमा से शादी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या अब्बा जान ने उनका पैगाम मंजूर भी कर लिया? शमा की मर्जी पूछे बगैर उसे क्या इतराज हो सकता है, दिलावर भाई को शमा पसंद है। जानती हूँ, मुझे भाईजान की खुशी अजीज भी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि शमा को शादी के लिए मजबूर किया जाए, वरना उसका टूटा हुआ दिल और टूट जाएगा। शमा का टूटा हुआ दिल, मैं समझा नहीं। औरत का दर्द सिर्फ औरत ही समझ सकती है, मर्द नहीं। आप क्या जाने बेचारी किस तरह दिन रात खुला करती है, मगर किसके गम में, खुदा जाने किस बेदर्द की मोहब्बत में। शमा मोहब्बत करती है? जी हाँ, मैंने उसे लाख लाख पूछा, मगर वो किसी का नाम जबान पर नहीं लाती, होंठ सी लिए हैं उसने, लेकिन मैं एक दिन पूछ के ही रहूंगी। आप अब्बा जान से जाकर कह दीजिए कि वो दिलावर भाई से शादी की बात न बनाए। जो मैं शमा की शादी उसी से करूंगी जिसे वो चाहती है। क्या कहा, तू शादी ही नहीं करना चाहती? अब्बा जान, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने कदमों से जुदा न कीजिए। घर में इतना नौकर चाकर है, मैं भी किसी कोने में पड़ी रहूंगी। तेरी बात मानूं तो पाले पोसे पर पानी फिर जाए, दुनिया थू थू करेगी, कहेंगे जिनत बेगम ने अपने बेटे की शादी तो धूमधाम से कर ली, ये तीन भांजी को बिठा रखा है हंडिया डोई करने के लिए। लोगों को बकने दीजिए खाला जान, आप
आपने मेरे लिए जो कुछ किया है माँ बाप भी नहीं कर सकते थे। मगर वो सब कुछ किसका, जब हम तेरी खुशियां ना देख सके, तेरी बहारें ना देख सके। मेरी बहारें, मेरी खुशियां, सब कुछ इसी घर में है खाला जान। मुझे इस घर से बाहर निकालिए। आप सुन रहे हैं शमा क्या कह रही है? सुन रहा हूँ बेगम, और समझ भी रहा हूँ, मगर मैं दिलावर मियाँ को कॉल दे चुका हूँ। मेरा कॉल और नसीब का लिखा इसके रोने धोने से नहीं बदला जा सकता। अब्बा जान, शमा को मजबूर ना कीजिए, आप नहीं जानती। मैं नहीं जानता था, मगर अब सब कुछ जानता हूँ कि शमा को ही शादी क्यों ना मंजूर है, और ये भी जान गया हूँ कि तुम इसकी हिमायत के लिए यहाँ क्यों आए हो। आप जानते हुए भी इस मासूम के अरमानों का खून करना चाहते हैं, जबरदस्ती की शादी से क्या फायदा? एक फायदा तो ये है कि बेशर्मी का वो नाटक जो आज तक इस घर में खेला जा रहा था खत्म हो जाएगा। बेशर्मी का नाटक? मैं आपका मतलब नहीं समझा। लेकिन मैं तुम दोनों का मतलब समझता हूँ। शमा जीते जी इस घर को छोड़ना क्यों नहीं चाहती, और तुमको इसकी जुदाई क्यों नहीं पसंद? मैं पूछता हूँ कि तुमने रोशन से शादी क्यों की? अब्बा जान, तुम्हें उस मासूम की जिंदगी से खेलने का क्या हक था? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें नहीं मालूम बेगम कि तुम्हारे साहबजादे और तुम्हारी इस लाडली में क्या रिश्ता? हाय अल्लाह, मैं आंखें रखती हुई भी कैसी अंधी रही, अजीजन के समझाने पर भी कुछ ना समझ सकी। खुदा खुदा क्या करती, जब दोनों मेरी नजरों के सामने से ईंट को महल में लगाने का यही इनाम मिलता है। चली जाए यहां से। आपको गलतफहमी हो गई अब्बा जान, मेरा और शमा का ऐसा कोई रिश्ता नहीं। जब ये बात दिलावर मियां ने मुझसे कही थी तो मुझको भी यकीन नहीं आया था, लेकिन अब इसकी पूरी तस्दीक हो गई है। मुझे अपने खून से ये उम्मीद न थी। लेकिन दिलावर ने जो कुछ भी कहा है या आप जो कुछ समझते हैं वो गलत है, झूठ है, बहुतान है। कुर्बान जाऊं, क्या बात है बेटी शमा, तो तुमने क्या हाल बना रखा है? मेरे एक काम करोगी? अरे बेटी तू एक काम कहती हूँ, मैं 10 काम कर दूंगी, बोल तो बेटी। तुम भोली भी हो रोशन और बेवकूफ भी। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही शमा से शादी करना चाहता हूँ। अपने मतलब के लिए तुम ऐसा जहर भी उगल सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने जबान को काबू में रखिए परवाना साहब। मेरी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं, और तुम्हें क्या हक है कि मुझे मेरे बुजुर्गों की नजरों से गिराने के बाद मेरी बीवी के कान भरने की कोशिश करो? इनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, मैं इनसे ज्यादा आपको जानती हूँ। तुम धोखे में हो रोशन, क्या तुम शमा से मोहब्बत नहीं करते? खामोश। या अल्लाह, ये क्या हो गया आपको? इसी बेशर्म से पूछो। बेशर्म मैं नहीं, तुमको, जो बीवी के होते हुए घर में दूसरी लड़की खबरदार ऐसी बात मुंह से निकाली। रोशन के भाई ना होते तो मैं तुम्हें जिंदा ना छोड़ता। निकल जा। फिर इधर का रुख किया तो तुम्हारी खैर नहीं, इस जिल्लत का बदला नहीं लिया तो दिलावर नाम नहीं। आप बैठ जाइए। हमारी हंसी खुशी की दुनिया में ये परेशानी का तूफान, खुदा गवाह मैंने शमा को गलत नजर से कभी नहीं देखा। मैं जानती हूँ। आप तो पैगाम देने गए थे दिलावर मियाँ, सर से टोपी भी उतार कर दे आए। कुछ न छुपा के पूछना क्या है, ये तो साफ जाहिर है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तुम्हारी बात सच है बाके, शमा उस घर में जलती रही तो रोशन आरा की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरी रहेगी। तो फिर शमा को बुझाने में देर नहीं करनी चाहिए। जब तक मैं इस जिल्लत का बदला नहीं लूंगा, मैं अंगारों पर लौटता रहूंगा। अंगारों पर लौटे आपके दुश्मन, आखिर मुझ जैसा दोस्त कब काम आएगा? आप गौहर बाई के यहाँ चलकर दिल बहलाइए, फिर देखिए बाके आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। बहुत बड़े काम का पेड़ा उठा रहे हो बाके। मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है हुजूर। हाँ, कुछ रुपए होंगे जेब में। मुझे तो जरूरत नहीं थी, ये शोधे कम्बख्त बड़े लालची होते हैं। तुम्हें नहीं मालूम रोशन,
आज दिलावर की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी उस मासूम। जिस मोहब्बत के राज को बेचारी सीने में छुपाए बैठी रही, आज सबने जान लिया। मोहब्बत का राज? आप जानते हैं बुआ कि शमा को किससे मोहब्बत है? हाँ दुल्हन, परवाना साहब। शमा ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। खुदा के लिए
लिए जल्दी दरवाजा खुलवाइए, कहीं कयामत ना आ जाए। आगे बैठी बेटा, जल्दी ला जाइए, किसी डॉक्टर हकीम को बुलवाइए। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मियां बड़े घबराए हुए नजर आ रहे हो, हैं? अमन लब के कहाँ जा रहे हो, जरा दम तो लो, खैरियत तो है? नहीं हुजूर, मुझे जाने दो। अमन हत्या दे रहा यार, तुम दिल तोड़े दे रहा सवेरे सवेरे। गजब हो गया बेटा, शमा ने जहर खा लिया। जहर? बेटा किसी डॉक्टर को जल्दी से बुला के लाओ, मेरे तो हाथ पैर फूल गए। जी बहुत अच्छा, आप दोनों आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को लेके अभी हाजिर होता हूँ। खुदा जाने हुदूद मियां कहाँ बैठे, डॉक्टर भी अभी तक नहीं आया। डॉक्टर आके करेगा भी क्या, आपकी गलतफहमी से उस मासूम की जान जानी थी, चली गई। बेटा आपने उनसे खुद मौत के मुंह में ठकेला। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं क्यों किसी दूसरों की बातों में आ गया। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। डॉक्टर आया? जी, 100 डॉक्टरों के डॉक्टर मेरे साथ साहिबा जनान खाने में तशरीफ ले जा चुकी। कौन बियाबा? जी हाँ, अर्जी है कि शम्मा ने उन्हीं के हाथ जहर मंगवाया और उन्होंने जहर ला के दे भी दिया। और है बीबियों, सबकी आंखों में झाड़ू करे आंसू कैसे, शमा बीबी को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह रखे वो आराम कर रही है, सोने दे उन्हें आराम से। ये मजाक का वक्त नहीं बियापा। आए है जीनत बेगम, बियापा जैसी बचपन में थी वैसी जवानी में, और जैसी जवानी में थी वैसी अब। आए है जमाना बदल गया लेकिन बियापा नहीं बदली। मैंने इन्हें जहर नहीं बल्कि नींद की दवाई ला कर दी। सच बियापा? क्या? जी अर्जी है कि दवा यानी कि मौत आने की नहीं, सिर्फ नींद आने की। जी सिर्फ शुक्र अदा करने से काम नहीं चलेगा नवाब साहब, 10-20 रुपए की गरम गरम जलेबियां मंगवा के मेरी उम्र के बच्चों में तकसीम करवा दीजिए। देखिए अर्जी है कि भी आपा ने अगर ये अकलमंदी ना की होती तो या तो वो बेचारी सर फोड़ फोड़ के मर गई होती जी, और या गले में फांसी लगा के मर गई होती। नहीं मैं एक बात बोलता हूँ, क्यों भाई ठीक है नहीं? आप जाकर लेटिए, मैं जाग रही हूँ। आप क्यों बेआराम होते हैं? खुदा गवाह है रोशन, मैंने जानबूझकर शमा को तड़पाने का गुनाह नहीं किया। शमा को सुबह मालूम हुआ कि आप रात भर जागते रहे हैं तो उसे बहुत दुख होगा, आप जाइए ना। लगे हाथों तो मुंह दिखाई भी हो जाएगा हर जान। हाय अल्लाह, दूल्हा के होते दुल्हन का घूंघट दूसरा कौन उठा सकता है? तुम्हें यही मंजूर है, यही सही? आखिर चार करो, इस महफिल में शर्माना हिमाकत। रोशन, रोशन, रोशन। हाँ रोशन, दिलावर की बहन। क्या हो गया, क्या क्या इन कंबा, या खुदा। मुंह क्यों छुपा लिया, इस महफिल में शर्माना हिमाकत है। आंखें खोल कर देखो, तुम्हारी बहन
इन नामहरमों के सामने तुम्हारी करतूत की वजह से नंगे मुंह खड़ी है। ये क्या किया तूने बाकी? मैंने तुझे क्षमा के लिए भेजा था। इनका क्यों बिगड़ते हो? अच्छा हुआ जो क्षमा नहीं आई, अच्छा हुआ जो उसके बजाय मैं आ गई। तुम्हें मालूम तो हो गया कि जो आवारा बेशर्म दूसरों की इज्जत लूटते हैं, दूसरों के शर्मो हया से खेलते हैं, एक दिन उनके हाथों में अपनी बहन का घूंघट भी आ सकता है, एक दिन वो अपनी माँ की चोटी भी खोल सकते हैं। बस रोशन बस। अब इसलिए सर फोड़ रहे हो कि तुम्हारी ये दोस्त क्षमा की जगह मुझे उठा लाए? अच्छा हुआ, वरना खुदा जाने उस गरीब का क्या हाल होता। अब तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम जैसे भेड़िए अपने ही हाथों अपनी शराफत का गला भी घोट सकते हैं, अपनी बहन के सर से अपने हाथों चादर खींच सकते हैं, अपनी इज्जत को खुद बांध सकते हैं। मुझे माफ कर दो रोशन, खुदा के लिए और कुछ न कहो। क्यों? तुम्हारी इज्जत इज्जत है और दूसरों की इज्जत खिलौना, तुम्हारी गैरत गैरत है और दूसरों की गैरत तमाशा, तुम्हारी बहन बहन है और दूसरों की बहन कठपुतली। बस बात हो गया रोशन, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। आज मैं खामोश हो गई तो दुनिया की सारी मजलूम औरतें मुझे इल्जाम देंगी। मैं दुनिया से पुकार पुकार कर कहूंगी कि ऐसे भाइयों को पहचान लो, यही है वो बेशरम, यही है वो हवस के बंदे, यही है वो गुनाहगार, यही है वो शैतान जिन्होंने खुदा के कानून का मजाक उड़ाया है। रोशन, मैं बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा। चलो तुम्हें घर पहुंचा। घर? मेरे घर के दरवाजे आज तुमने हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। इस जगह पर पहुंचाकर तुमने मुझे किसी शरीफ घर में कदम रखने के काबिल नहीं छोड़ा। रोशन, तुम्हारे इन भाई बंधुओं के सामने बेपर्दा होने के बाद, इस जानवर में कदम रखने के बाद अपने शोहर की जन्नत में किस मुंह से जाऊं? उनसे दूर रहकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब मुझे सिर्फ मौत के दामन में ही पनाह मिल सकती है और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। रोशन, रोशन! खबरदार, मेरे नजदीक मत आना, मुझ पर तुम लोगों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, रोशन, नहीं, नहीं। मैंने तुझे मार डाला, मैंने तुझे मार डाला। दिया रोशन करने आई हो, ये भी छुपाना चाहती हो मुझसे? अपनी कुर्बानियों पर कब तक पर्दा डालती रहोगी शमा? बुआ आजीजन से मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि वो गजल रोशन आरा ने नहीं, तुमने लिखी थी। और शर्मिंदा न कीजिए, ये शर्मिंदगी क्या कम है कि मैं कुर्बानी में रोशन आरा से पीछे रह गई।
किसी की मौत कुर्बानी का दर्जा पाती है, किसी की जिंदगी पानी है, इश्क पानी है, एक वफा है जो जा शम में बाबा